नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। 29 जनवरी से गोरखपुर में दो दिवसीय दौरे पर होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करेंगे विविध योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। महानगर में हाल ही में हुए दो लूट में शामिल 7 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, पकड़े गए अभियुक्त के पास से लगभग 6 लाख रुपए नकद, 1 4 पहिया वाहन, कट्टा व कारतूस सहित कई अन्य सामान बरामद। धूमधाम से मनाया गया राजकीय बौद्ध संग्रहालय का स्थापना दिवस, कमिश्नर ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित हुआ स्वर्गीय माया पांडे स्मृति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, सम्मानित हुई विभूतियां। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने दायित्व बोध और राष्ट्र निर्माण विषय पर रखे विचार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की पत्नी राजी सत्यार्थ ने बसंत मेले का किया उद्घाटन, मेले में बुटीक स्टॉल, हस्तशिल्प निर्मित सामान लोगों के आकर्षण का बना केंद्र। भारतीय बौद्ध महासभा के नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। 30 जनवरी को आयोजित होगा मदनवाल महासंघ द्वारा वैवाहिक परिचय एवं संयुक्त सम्मान समारोह। गोरखनाथ मेले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम द्वारा शिविर लगाकर लोगों को दी गई उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी। दलित चेतना संगोष्ठी में हुई दलित समाज के दशा और दिशा पर चर्चा। पंचायती राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र सिंह 29 को ग्राम प्रधान संगठन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। और छुट्टी के साथ खिली धूप के कारण गोरखनाथ में उमड़े श्रद्धालु, मेले का उठाया लुक। अब समाचार विस्तार से। 29 जनवरी की सुबह 11:35 पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद में आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री 29 जनवरी को 11:45 से 12:45 तक महेसरा सेतु के लोकार्पण और मोहरीपुर जंक्शन नंद लाल सिंह रामपुरचक शेरपुर चमराहा होरवा संपर्क मार्ग का शिलान्यास एवं जनसभा करेंगे। जनसभा के बाद 12:50 से 2:20 तक जंगल कोड़िया ब्लॉक परिसर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय रमापति यादव की प्रतिमा पर अनावरण तथा विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद 2:35 पर गोरखनाथ मंदिर पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री पुनः दोपहर 3 बजे गोरखनाथ मंदिर से प्रस्थान करके 3:10 से 4:10 तक गोरखपुर क्लब में आयोजित ग्राम प्रधान संघ के सम्मेलन में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के पश्चात 4:20 से 5:20 तक देवरिया बाईपास पर पूर्वांचल बैंक के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद वे रात्रि विश्राम के लिए मंदिर रवाना हो जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री 30 जनवरी को 11:00 से 12:00 तक भटट में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद 12:20 से 1:20 तक गोरखपुर क्लब में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण व जनसभा में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद वो दोपहर 1:30 पर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। पैडलेगंज स्थित रचित हॉस्पिटल के पास से 14 अगस्त 2017 में हुए लूट और गोरखनाथ क्षेत्र से एक मुनीम के साथ हुए लूट के मामले में पुलिस ने कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अभियुक्तों के पास से लगभग 6 लाख रुपया नकद, 1 पिस्टल, 2 कारतूस, 1 SUV, 4 पहिया वाहन, 1 मोटरसाइकिल सहित कई अन्य सामग्री बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में अविनाश, दीपक, प्रदीप, आदर्श, प्रभुनाथ, आनंद और राम कुमार शामिल हैं। मामले का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की एक टीम देवरिया बाईपास रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बिना नंबर प्लेट की एक XUV 4 पहिया वाहन को रोक कर उसमें बैठे युवकों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान वाहन में बैठे युवक संदिग्ध दिखे। जब युवकों से कड़ाई से पूछताछ हुई तो युवकों ने रचित हॉस्पिटल के पास और गोरखनाथ क्षेत्र में हुए लूट में शामिल होने की बात को स्वीकार कर लिया। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों कुख्यात अपराधी हैं, जिन पर पहले से कई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। बताइए भैया, थोड़ा सा
आशुतोष डाक साहब के ओटी में उनका सहायक रूप में काम करता है। शुरू करें सर। आओ गया फटाफट। दिनांक 14 अगस्त 2017 को रचित अस्पताल के एक कलेक्शन कर्मचारी द्वारा पैसा जा रहा था बैंक में जमा करने के लिए, उसमें लगभग 7 लाख रुपए थे। उसकी मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने तमंचा दिखा के लूट कर लिया 7 लाख रुपए। उस घटना के अनावरण के लिए सीओ कैंट और सीओ क्राइम के मार्गदर्शन में स्वाट और कैंट थाने की टीमें काम कर रही थी। कल इस घटना का सफल अनावरण हुआ है और लूट में शामिल कुल बदमाश और जो रकम बांटने वाले थे, मुखबिरी करने वाले, कुल 7 आदमी गिरफ्तार किए गए। इस घटनाक्रम का सफल खुलासा हुआ। इसी के साथ साथ जून महीने में गोरखनाथ थाना क्षेत्र में एक मुनीब से लूट हुई थी जो बैंक से पैसा निकाल के जा रहा था, उस घटना का भी सफल अनावरण हुआ है। तो लूट की 2 बड़ी घटनाओं का खुलासा कल किया गया है और 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। रचित अस्पताल के मुनीब जो मतलब पैसा जमा करने जा रहे थे बैंक में, उनके साथ जो लूट की घटना हुई थी, उनसे 5,99,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं और 2 शातिर अभियुक्त जो मौके से लूट की घटना कारित किए थे, अविनाश तिवारी और दीपक मिश्रा, उनसे एक पिस्टल और एक तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए। मोबाइल भी बरामद कर लिया गया जिस बैग में पैसा जा रहा था। अस्पताल की बैंक की जमा पर्चियाँ हैं, उनके लिफाफे भी हैं। इस तरह से कुल 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। जिन लोगों ने मौके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, अविनाश तिवारी और दीपक मिश्रा, ये जनपद के काफ़ी कुख्यात लुटेरे हैं और शातिर और कुख्यात अपराधी चंदन सिंह के सहयोगी हैं। दीपक मिश्रा ने चंदन के साथ कई बड़ी बड़ी सनसनीखेज लूट की घटनाओं को जनपद में और जनपद के बाहर बाराबंकी और आसपास के जिलों में अंजाम दिया। दीपक मिश्रा के ऊपर लगभग लूट के 20 मुकदमे पंजीकृत हैं। सर, एक बात, थाना क्षेत्र में जो लूट हुई थी नौतनवा का जो व्यापारी के मुनीब से हुई थी, क्या उसी घटना का अनावरण है? हाँ, उस घटना का नवरण है। उस घटना से जो पैसा मिला था उसमें अविनाश तिवारी ने अपने नाम से एक मोटरसाइकिल बुलेट और इनके पास से एक एक्सयूवी 4 पहिया गाड़ी भी है, उसकी किस्त सामने है, पूछ लीजिए उनसे। कौन कौन है? ओटी में काम करते थे उसमें एक आदमी जो पूर्व में काम करता था, 2 आदमी वर्तमान में काम करने वाले। काफी दिनों से इनका नाम है आदर्श कुमार अनिल कुमार। आदर्श कुमार कौन है बताओ? बताओ, प्रभु एक प्रभुनाथ है और एक आनंद कुमार। 3 आदमी इसमें मुखबिरी के। तारामंडल स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय का स्थापना दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। समारोह का शुभारंभ कमिश्नर अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काट कर किया। इसके बाद कमिश्नर ने संग्रहालयों में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी, बौद्ध और महावीर से जुड़ी हुई कलाकृतियों और स्थापना दिवस पर आयोजित चित्रकला व रंगोली प्रतियोगिता का अवलोकन किया। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई। समारोह में संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, मूर्तिकार सुनील गुप्ता, कनक हरी अग्रहली, सुनील कुमार सिंह, संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद थे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर ने संग्रहालय के कलाकृतियों की तारीफ करते हुए कहा कि वाकई भगवान बुद्ध और महावीर से जुड़ी कलाकृतियों लोगों को ज्ञान से प्रकाशित करेगी। इस अवसर पर कमिश्नर ने कहा, नहीं भाई वो सारी फोटो होगी है। तो जिन्होंने आपको सहयोग दिया उनको बुलाइए। और सर, ये हम लोगों का प्रयास है कि अलग अलग तरीके से सर को दिखाएं, तो इनके सेट्स अलग अलग सेट्स उन्होंने कैप्चर किए। बल्कि मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ के जो मार्केट्स गलियाँ अच्छा पड़ी है उसी पैटर्न से मैं संगम भैया। कब से हुआ ये?
लाइटिंग सर ये राजीव मिश्रा सर थे जब यहाँ पे तो तब से इन्होंने शुरू किया है, ये हर अकेजन पे ये रोज तो चलता है लेकिन अकेजन के हिसाब से चेंज हो गया। जैसे अभी ट्री कलर हुआ था ये अपना फिर वुमेन्स डे आया था तो उसमें पिंक पूरा किया था इन्होंने और ऑन स्पॉट है सब बच्चे इसके पंजाब क्यों 2.5 लाख में बचा हुआ है। हाँ 2.5 लाख में पूरी हिस्ट्री को समझने का जी कॉम्पिटिशन की तरह से चूज किया गया ताकि सारी चीज़ें चूज देखिए बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर शहर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है और इसमें जो हमारे पौराणिक काल में और इवन बौद्ध काल में ब्रॉन्ज एज में कॉपर एज में काफ़ी ऐसे हमें चिन्ह मिले हैं प्रोडक्ट्स मिले जिसको यहाँ संयोजा गया है और ये काफ़ी आकर्षक हमारा केंद्र है संग्रहालय है और काफ़ी ज्ञानपरक भी है और आज यहाँ पे बच्चों ने अपनी पेंटिंग और रंगोली भी करी है तो वो भी हमने देखा तो आज बहुत अच्छा सुंदर आयोजन हुआ। चेतना माया वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा स्वर्गीय माया पांडे स्मृति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन रविवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाध भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, प्रोफेसर आनंद मिश्र सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया गया जिसके बाद अतिथियों को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में फैजाबाद से आए जमुना निषाद उपाध्याय, लखनऊ से आए वाहिद अली वाहिद, बाराबंकी से आए रामकिशोर तिवारी, मऊ से आए कमलेश राय, कुशीनगर से आए बादशाह प्रेमी, उन्नाव से आए अभिषेक पांडे और गोरखपुर की अर्चना मालवीय, डॉक्टर चेतना पांडे, निशा राय तथा प्रीति गुप्ता ने अपनी अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा लोक गायक कलाकार ब्रिज किशोर तिवारी और उर्मिला शुक्ला को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। के बारे में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाते थे हमारे आज के मुख्य अतिथि कुलपति संरक्षक प्रोफेसर चित्रंजन मिश्र जी, रामाशंकर शुक्ल जी, आज के इस कवि सम्मेलन संगम साहित्यिक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था के संयोजक नरसिंह बहादुर चंद जी, आप लोगों से आग्रह है कि आप प्रोफेसर चित्रंजन मिश्र जी का माल्यार्पण करके बैस लगाकर और समिति में लेकर स्वागत करेंगे अंत करेंगे।
1973 से लोक गायन के क्षेत्र में श्रीमती उर्मिला शुक्ला जी योगदान दे रहे हैं। ब्रजकिशोर तिवारी जी की आवाज आपने जरूर आकाशवाणी पर सुनी होगी। रात गुजरा के करे दरे हे रामा राम लखन दुनो भैया लखन दुनो भैया वो तो चले बन साथ गजरा के करे दरे वो तो चले बन साथ गजरा के करे दरे हे रामा गंगा जमुन दुनो बहिनी जमुन दुनो बहिना संगीत साहित्य उनको हे रामा तो बहित साथ गजरा के करे दरे तो बहित साथ गजरा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के अवसर पर यहाँ सभागार में उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर चितरंजन मिश्र जी, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद मिश्र जी, इस कार्यक्रम का आयोजन चिंता पांडे जी, हमारे उपस्थित यहाँ कवि कलाकार लोक गायक उपस्थित यहाँ श्रोता बंधु छात्र छात्राएँ, ये बहुत ही शुभ अवसर है कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन इस अवसर पर यहाँ किया जा रहा है। कवि सम्मेलन जैसा कि सबको पता है कि एक कविता कवि का कलाकार कवि कलाकारों का एक संग्रह होता है जो सामाजिक चेतना पैदा करते हैं और प्राचीन काल से लोक गायन लोक कविताएं खास कवि सम्मेलन का आयोजन हमारे देश में होता रहा है और वह व्यक्ति के अंदर की जो अंदर से जो अंदर की भावनाएं होती हैं उनको जागृत करता है, उनको सेंसिटाइज करता है, सचेत करता है और समाज के प्रति उनका क्या दायित्व तो है, एक छोटी सी कविता के माध्यम से कवि पूरे युग की बात कर जाता है। तो कवि का रोल जो है वो बहुत ही विलक्षण है। कवि कोई एक पढ़ के नहीं बन सकता, उसके अंदर विलक्षण प्रतिभा होती है तभी वो कवि एक कवि के रूप में अपना योगदान समाज में दे पाता है। कविता की विभिन्न विधाएँ हैं जिसमें अलग अलग पारंगत हैं। हमारे कुछ लोग कवि यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने भोजपुरी के माध्यम से अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से समाज में अपना चेतना पैदा करना, समाज के प्रति जागरूकता पैदा करना और जब आज़ादी के समय जब देश गुलाम था तो लोक कविताओं के माध्यम से आधार उधर उसमें माना जाता है कि लोगों के अंदर वीर रस की भावना पैदा करता था। तो कवि का दायित्व समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह अपनी शब्दों के माध्यम से चंद शब्दों के माध्यम से समाज में जो अपनी चेतना पैदा करता है वो बहुत ही अभिनंदनीय है। ये सब राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा दायित्व बोध और राष्ट्रीय निर्माण विषय पर गोष्ठी का आयोजन रविवार को महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बस्ती स्थित एपीएन डिग्री कॉलेज के आचार्य डॉक्टर पृथ्वी राज सिंह, विशिष्ट अतिथि कुशीनगर स्थित बुद्ध पीजी कॉलेज के आचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार राय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैथ विभाग के प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव, महासंघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह, आशीष मणि त्रिपाठी सहित महासंघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने संबंधित विषय पर अपने विचार व्यक्त किए कि माँ भारती और माँ सरस्वती और सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद ऐसा उद्घोष वातावरण में प्रभावित प्रदान हो रहा है। माँ भारती के चरणों में पुष्प सागर समर्पित है। देवा की भाषा पूरा हम भी
और जिस तरह से ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना संवर्धन और संस्कारित किया था, उसी तरह से भारतीय समाज के आप संवर्धन करेंगे, आप संस्करण करेंगे, प्रसंस्करण करेंगे, सुधार लाएंगे और निश्चित रूप से तभी हमारा समाज और राष्ट्र दोनों विश्व के पलक पर एक बार पुनः अपनी प्रतिष्ठा कायम कर सकेगा, ऐसा हमारे संगठन का दृढ़ विश्वास है। बहुत संक्षेप में आपको अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का एक संक्षिप्त सा परिचय देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आगे चुनौतियां तमाम हैं और उन चुनौतियों से हमें किस तरह से निपटना है उसकी बृहद रूपरेखा तो आपको आने वाले समय में शनै शनै मिलती रहेगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की एक अपनी पूर्ण रूप से विकसित वेबसाइट भी है, जिसमें आपको पूरी सूचनाएं वेबसाइट पर दर्ज है। आप जब चाहें तब उस वेबसाइट पर जाकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का की क्या संरचना है, कैसे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रांत के सुदूर, मुझे लगता है ब्लॉक या गांव स्तर पर भी एक एक इकाई जहां लोग क्रियाशील है वहां स्थापित हो चुकी है। कम से कम 34 प्रादेशिक और 50 से ज्यादा विश्वविद्यालय इकाई, और बड़े सुखद आश्चर्य की बात है कि यदि माध्यमिक संवर्ग और प्राथमिक संवर्ग की गिनती करने लगी जाए तो मुझे लगता है काफी समय लग जाएगा और मैं ठीक ठीक कभी उसका आंकड़ा देख नहीं पाऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय माध्यमिक और प्राथमिक स्तर की इकाइयां ही राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश में अपना काम कर रही है। यह हम सब लोगों के लिए अति गर्व की बात है। हम कैसे दूसरे किसी भी शिक्षक संगठन से अलग है जिनका सीधा सीधा राजनीतिक सरोकार हो रहा है, यही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका कोई राजनीतिक सरोकार नहीं है। इसका सर्वप्रथम सरोकार है सांस्कृतिक राष्ट्र, इसका द्वितीय सरोकार है सामाजिक उन्नयन, इसका तृतीय सरोकार है शिक्षकों की समस्याओं पर मिल बैठकर मंथन करना, न केवल मंथन करना अपितु जहां आवश्यक होता है वहां सरकारी मतलब सरकार में जो जिम्मेदार मंत्री है, जो जिम्मेदार अफसर है वहां बैठ के आवश्यक हस्तक्षेप उपस्थित करना। अभी पिछले अग्रवाल महिला मंडल द्वारा रविवार को विजय चौराहा स्थित एक मैरिज हॉल में बसंत मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की पत्नी राजी सत्यार्थ द्वारा फीता काटकर किया गया। मेले में बुटीक स्टॉल, हस्तशिल्प निर्मित विविध सामान, चटपटे खाना खजाना के साथ विविध रंगारंग कार्यक्रम लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर SSV की पत्नी ने मेले का अवलोकन कर खरीदारी की। रीता अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, रेखा अग्रवाल सहित समिति की कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि SSP की पत्नी राजी सत्यार्थ ने कहा कि अग्रवाल महिला मंडल ने छोटी पूंजी के व्यवसाय करने वाली महिलाओं को मंच प्रदान किया है। एक छत के नीचे महिलाओं के जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध है। अग्रवाल महिला मंडल का ये कार्य काफी सराहनीय है। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिनके कारण इतना खूबसूरत लाल और एकदम जैसा मैंने कहा वैसा इसको रख दिया, इसके कारपेट भी वैसा लगाया, पूरे दो दिन की इसकी मेहनत, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना हमारे साथ 5 साल से आप निकाली को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। रीता भाभी तो तहे दिल से बधाई देने का बात रही है। और ये हमारा पूरा परिवार है कि आपके स्टॉल में एक इयररिंग पसंद आया है उसको किनारे रख दीजिएगा, अभी हम उसका पेमेंट कर देंगे। गुंजन इधर देखो, पहले राइट इधर 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 और थोड़ा सा आंसर ये रहे हैं, और मैं आपका हमारे मेले में तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि एक बार बोलने पे दोबारा इन्होंने पूछा भी नहीं कि क्या दिस इज वेरी नाइस नहीं है
हो गया है। अच्छा। तो चक्कर में लगेगा, अपने जाएंगे डॉक्टर साहब। अच्छा। अभी भैया के भी सॉरी हमको क्या मालूम थी, आज बता के कुछ चौबीस घंटा बाद कुछ एक हाथ में लेके दिखाइए मैडम, आप उठा दे दिखाइए हाथ में। आज अग्रवाल महिला मंडल द्वारा बसंत ऋतु के उपलक्ष्य में ये बसंत मेले का आयोजन किया गया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। दो बातें हैं कि बसंत का जो रंग उत्सव होता है वो तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, अलग अलग बहुत सुंदर स्टॉल्स हैं, हर तरह के आयोजन इन्होंने इसमें रखे हैं, अलग अलग वस्त्रों के, खाने पीने का, बच्चों के मनोरंजन का, सब तरह का यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अग्रवाल महिला मंडल हमेशा से जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं उन पर सक्रिय रहता है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है, हेल्थ चेकअप के लिए दो दो डॉक्टर्स का स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि साथ साथ और गोरखपुर की महिलाएँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अग्रवाल महिला मंडल को मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा के नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व शपथ ग्रहण समारोह रविवार को अंबेडकर चौराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष किया गया। समारोह में उपस्थित महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमाश्रय बौद्ध ने महासभा के कुल 21 नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। चुने गए पदाधिकारियों में महानगर अध्यक्ष देवकी नंदन, महानगर उपाध्यक्ष महिला विभाग रामचंद्र, महानगर उपाध्यक्ष संस्कार विभाग अशरफी राम, महानगर अध्यक्ष पर्यटन एवं प्रसार विभाग सुरेंद्र नाथ, महानगर उपाध्यक्ष संरक्षण विभाग देवचंद राम और महासचिव सीताराम सहित कई अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमाश्रय ने कहा, बोलाई मत होइए ना।
ऑफ इंडिया नगर शाखा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री जो लोग हैं अपना अपना ले लेंगे पद से ग्रहण कर मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नियम विनय के तहत कार्य करूंगा तथा भारतीय बौद्ध महासभा के अलावे किसी भी संस्था अथवा समाज या पार्टी से हमारा लगाव रहेगा लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रचार प्रसार में हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नगर इकाई का गठन हुआ था उसका आज यहाँ शपथ ग्रहण हो रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में सभी 21 पदाधिकारी हमारे यहाँ उपस्थित हैं और इन लोगों को कसम धराया जा रहा है, शपथ दिलवाया जा रहा है कि बाबा साहब ने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना किया था उसके नियम विनय के अनुसार आप लोगों को समाज में धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के काम करना है। इस प्रकार का ये लोग शपथ दे करके ये लोग यहाँ वचन दे रहे हैं और ये हमेशा इसका पालन करेंगे, इसीलिए यहाँ पर बाबा साहब के प्रतिमा के समक्ष सब लोगों को शपथ ग्रहण कराया जा रहा है। ये नियम विनय को जाने और उसी के अनुसार भाईचारा के साथ देश में समाज में काम करें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मदनवाल महासंघ द्वारा वैवाहिक परिचय एवं संयुक्त सम्मान समारोह का आयोजन 30 जनवरी को बख्शीपुर स्थित एक मैरिज हॉल में किया जाएगा। समारोह की विस्तृत जानकारी देते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम मदनवाल ने कहा कि कान्य कुंज वैश्य समाज को एकजुट करने तथा समाज के लोगों का उत्थान के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रख्यात समाज सेवी पवन कुमार, विशिष्ट अतिथि गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, गजेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्यामानंद प्रसाद गुप्ता सहित कई अन्य गणमान्य मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ये कार्यक्रम हैप्पी मैरिज में होना है। वैवाहिक परिचय सम्मेलन जो गोरखपुर में द्वितीय परिचय सम्मेलन है, हम लोगों ने 2009 में परिचय सम्मेलन कराया था तो वह परिचय सम्मेलन सफल रहा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हम लोगों के गुरु हैं वो इसे परिचय सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे और हम लोगों को बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि इस बार वो मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए। ये हम लोग अपने स्वजाति बंधियों का कराते हैं परिचय सम्मेलन, जिसमें सभी तरह के कन्याओं का, अपने स्वजाति बंधुओं की लड़कियों का, बच्चों का आपस में परिचय होता है और जो बच्चों का परिचय करा देते हैं इससे शादी आपस में होने में बहुत ही सुविधा मिलती है। अब तक हम लोगों ने 150 बायोडाटा इकट्ठा किया है और हम लोगों का 250 बायोडाटा इकट्ठा करने का लक्ष्य है। इसमें हम लोगों ने ये भी सोचा है कि अगर कोई कन्याओं का शादी तय हो गया तो इसमें कम से कम 11 कन्याओं का फलदान भी कराना है, जिससे हमारे समाज में जो है एक अच्छी तरह से जागरूकता हो और दहेज पे अंकुश लगे और हमारा मदनवाल समाज
हमारे मुदनवाल समाज के संरक्षक श्री मक्खनलाल जी हैं और हमारे जो है पाला जी हैं नगर महामंत्री धर्मेंद्र जी हैं और हमारे सत्यनारायण जी हैं उपाध्यक्ष हैं। ये लोग हम लोगों के साथ हमेशा लगे रहते हैं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए ये लोग हम लोगों के एकदम साथ में हैं और तन मन धन से समर्पण है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि सभी सुजाति बंधुओं को मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि इस कार्यक्रम में आएँ और सहभागिता दें और आशीर्वाद बच्चों को दें और हम लोगों का हमारे पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाएं जिससे हम यह कार्यक्रम हमेशा अपने समाज का करते रहें, जिस समाज में एक जागृति बनी रहे और समाज की जो भी मतलब हम लोग जितना भी भला कर सकते हैं अपने समाज का भी करें और अपना बंधुओं का करें। धन्यवाद। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के तत्वावधान में सप्त दिवसीय उपभोक्ता जागरूकता शिविर गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगाया गया, जिसमें मेले में आए लोगों को उपभोक्ताओं द्वारा की गई खरीदारी की बारीकियों को बताया गया और ये भी बताया गया कि अगर किसी कंपनी द्वारा गलत सामान दिया गया है तो उसका शिकायत कहाँ दर्ज होगी और कौन सी कार्रवाई होगी। शिविर में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता ब्रिज बिहारी लाल श्रीवास्तव ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के संबंध में बताया तथा कहा कि उपभोक्ता जागरूक रहेंगे तो उनका शोषण नहीं होगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फोरम के अध्यक्ष व न्यायाधीश विजय प्रकाश मिश्रा ने उपभोक्ता नियमों की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया आम जन तक उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी देना। समाज का हर व्यक्ति उपभोक्ता है लेकिन जानकारी के अभाव में और अपने कर्तव्य और अधिकार के अभाव में वो अपनी बातों को नहीं रख पाता। इस शिविर के माध्यम से पिछले 3 वर्षों से ये शिविर आयोजित कर मेला में दूर दूर से आए हुए लोगों को ये बताया जाता है और उनकी समस्याएं यदि कुछ हैं तो उसको सुना जाता है, उसका निदान कैसे होगा ये उनको बताया जाता है। दी जाने वाली जानकारी में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। वह सुबह से शाम तक सामान खरीदते बेचते हैं, सुबह से शाम तक सामानों का उपयोग और उपभोग करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि अगर इस सामान में कोई त्रुटि है तो इसका निवारण कहाँ। यह मुख्य शिविर का आयोजन इसीलिए है कि उपभोक्ता अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें और अपने अधिकार को समझें और अधिकार को अधिकारों का अनुपालन कराने में उपभोक्ता फोरम न्यायालय आवे। लगातार शिविर का आयोजन किया गया है और ये प्रयास है कि यहाँ जो मेले में आते हैं हम लोग उन्हें कानून की जानकारी दी जाए, क्योंकि उपभोक्ता हर नागरिक है जो कोई सामान खरीदता है जो कोई सेवा लेता है। लेकिन आज भी खासतौर से गांव के लोग जो हैं उनमें अभी जागरूकता नहीं आ पा रही। तो शिविर का जो मुख्य प्रयोजन है कि जो गांव से जुड़ा उपभोक्ता है वह जो कठिनाई महसूस कर रहा है अपने फसल के बारे में, फसल बीमा के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, वह उसके प्रति जो है गर्म नहीं आ पाता। उन्हें विश्वास है कि यह शिविर जो है वो गांव के लोगों को भी जागरूक करने का एक माध्यम बनेगा और उसे लोग अपने हक आगे। डॉक्टर अंबेडकर ग्रेजुएट टीम द्वारा रविवार को तारामंडल स्थित एक मैरिज हॉल में दलित शौर्य का प्रतीक भीमा कोरे गांव वर्तमान चुनौतियां एवं हमारा दायित्व विषय पर दलित चेतना संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान दलित समाज के हित में रहा है, दलित वर्ग को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। गोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में इंजीनियर राम सूरत सुमेद, इंजीनियर नागेंद्र कुमार गौतम, अमित कुमार, श्रवण कुमार, उमेश भास्कर, सुरेश कुमार भारती सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोष्ठी के अध्यक्षता डॉक्टर अलख निरंजन ने किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगोष्ठी के विषय प्रवर्तन प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर और मुख्य अतिथि इंजीनियर वी आर विपल्वी ने कहा, बड़ी बेहद घटना हुई राजनीति और हम एक गोष्ठी उठा रहे देश की सबसे ज्यादा बेटा मना रहा है, लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और किसमें वेस्ट कर रहे हैं,
जात धर्म आडंबर अंधविश्वास में, ये सभी को इससे बाहर कर रहे हैं। बाबा साहब ने 1956 में छोड़ धर्म ग्रहण करते हुए इन्होंने घोषणा किया था कि इस देश को विकसित बनाना है, डेवलप बनाना, खुशहाल बनाना है, तो मानवता मानवता इसको डेवलप करनी है, तो बंधु भाषा बढ़ाना तो धर्म ही आवश्यक है। और ये तो हमारी विडंबना रही, देश की विडंबना रही कि बाबा साहब बहुत जल्दी चले गए, उसके डेढ़ महीने बाद ही चले गए। यदि दो साल उन्होंने स्वाद दिया था साहब को, हमें आज इतने साल हमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, ये जब देश बुद्ध में हो गया होता तो हम ऐसी समस्या सा हो जाती। तो हमारी दायित्व बहुत बढ़ता है। दूसरी उद्देश्य बहुत व्यापक है, हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि पूरे देश में एक जो देश सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, वो बहुत उसके प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, वो बहुत तरह से असहिष्णु होता जा रहा है। जैसे भीमा कोरेगांव की जिस घटना को लिया है, 200 साल से लोग वहाँ जाते रहे और दलित तो बहुत बड़े 200 सालों से वहाँ जा रहे हैं और कभी कुछ नहीं हुआ। और जब 200 साल पूरे हो रहे थे, एक महत्वपूर्ण समय था, 200 शताब्दी किसी घर में, तो आप उन पर हमला करते हैं। तो यह एक तरह की संकीर्णता है जो समाज में बढ़ रही है। और एक तो उस तरफ की बढ़ते हुए समाज में जो बढ़ती हुई संकीर्णता, उस तरफ हम समाज को सचेत करना चाहते हैं। दूसरा हम ये चाहते हैं कि संविधान में जो ये देश संविधान से चलता है और उसी संविधान को लगातार कमज़ोर और निरुपाय बनाने की कोशिश, चाहे पद्मावत का मामला हो, चाहे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने 4 CJI के बाद के जजेज ने बात की, तो जो देश संविधान से चल रहा है, मानते हैं कि वो संवैधानिक देश है, गणतंत्र है, उसी देश में उसी चीज़ को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, ये बात है। तो हम भारत की जनता को सचेत करना चाहते हैं कि अगर इस देश को बचाना है तो हमको अपने संविधान को बचाना होगा। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर और मार्क्स में केवल एक ही फर्क है। मार्क्स जो है वो इकोनॉमिक्स को, अर्थ को जो है पूरे समाज के परिवर्तन का जरिया बताते हैं, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि अस्मिता जो है वो मेन चीज है, जो आदमी का, व्यक्ति का मान सम्मान है, उसके जरिए ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वो यही दोनों जो है, ये फर्क है दोनों। इसीलिए ये जो है शौर्य दिवस जो मनाया जा रहा है, ये आदमी के, व्यक्ति के आत्मसम्मान की बात है, जो कि बहुत ज़रूरी है और वही सारे प्रोग्रेस और सारी चीज़ों के मूल में है। इसलिए ये मनाना बहुत ही जरूरी है, ये दलित के लिए नहीं, ये मनुष्य मात्र के लिए जरूरी है। प्रदेश के पंचायती राज स्वतंत्र प्रभार एवं लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह 29 को 12 बजे जनपद में आएंगे। वे 3:30 पर गोरखपुर क्लब में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत 5 बजे लखनऊ चले जाएंगे। रविवार को छुट्टी का दिन होने के साथ खिली धूप से गोरखनाथ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ उमड़ पड़ी। भारी संख्या में लोग मेले में पहुंचे और मेले का लुत्फ़ उठाया। वहीं काफ़ी दिनों के बाद जब लोगों को कोहरे से निजात मिली और खिलखिलाती धूप निकली, तो लोगों ने मेले का रुख किया और मौज मस्ती के साथ मेले का आनंद उठाया। कुछ लोगों ने नौकायन करके तो कुछ लोगों ने झूला पर अपना मनोरंजन किया। वहीं मेला घूमने आए कुछ लोग एयरगन से गुब्बारे पर निशाना लगाते नजर आए। मेला घूमने आई एक बच्ची ने गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि भीड़ अधिक है, फिर भी हम लोगों ने मेले में खूब इंजॉय किया है। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, दर्शनार्थी गण ध्यान दें। रूपम कुमारी सन्ना पन्नेलाल बिछिया गोरखपुर की रहने वाली है। आपकी रूपम कुमारी सन्ना पन्नेलाल बिछिया गोरखपुर की रहने वाली है। आपकी फूगा रीता देवी मेला थाने पे इंतजार कर रही है। अगर आवाज सुनो हो तो मेला थाने पे संपर्क करें। प्रीति सोनखर वाइफ ऑफ दिलीप सोनखर पंचपड़वा गोरखपुर के रहने वाली है। Thank you.
मुकेश जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो श्री हनुमान आपके रमावती देवी जी प्रतीक्षा कर रही हैं, आकर प्रतीक्षालय में संपर्क कर लें। रूपम कुमारी सन्ना पन्नेलाल बिछिया गोरखपुर की रहने वाली है। आपकी फूगा रीता देवी मेला थाने पे इंतजार कर रही हैं। अगर आवाज सुन रहे हो तो मेला थाने पे संपर्क करें। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अलग अलग लोग देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत भीड़ है यहाँ पे, बट इंजॉयमेंट साथ साथ है, बहुत इंजॉय किए हम लोग आज यहाँ पे। आज वैसे आज संडे है तो सब लोग फ्री होते हैं, इस वजह से अपने फैमिली के साथ और सब लोग यहाँ आए अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। 29 जनवरी से गोरखपुर में दो दिवसीय दौरे पर होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करेंगे विविध योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। महानगर में हाल ही में हुए दो लूट में शामिल 7 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, पकड़े गए अभियुक्त के पास से लगभग 6 लाख रुपए नकद, 1 4 पहिया वाहन, कट्टा व कारतूस सहित कई अन्य सामान बरामद। धूमधाम से मनाया गया राजकीय बौद्ध संग्रहालय का स्थापना दिवस, कमिश्नर ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित हुआ स्वर्गीय माया पांडे स्मृति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, सम्मानित हुई विभूतियां। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने दायित्व बोध और राष्ट्र निर्माण विषय पर रखे विचार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की पत्नी राजी सत्यार्थ ने बसंत मेले का किया उद्घाटन, मेले में बुटीक स्टॉल, हस्तशिल्प निर्मित सामान लोगों के आकर्षण का बना केंद्र। भारतीय बौद्ध महासभा के नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। 30 जनवरी को आयोजित होगा मदनवाल महासंघ द्वारा वैवाहिक परिचय एवं संयुक्त सम्मान समारोह। गोरखनाथ मेले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रति तोष
फोरम द्वारा शिविर लगाकर लोगों को दी गई उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी। दलित चेतना संगोष्ठी में हुई दलित समाज के दशा और दिशा पर चर्चा। पंचायती राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र सिंह 29 को ग्राम प्रधान संगठन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। और छुट्टी के साथ खिली धूप के कारण गोरखनाथ में उमड़े श्रद्धालु, मेले का उठाया लुत्फ। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।